तमाम फसलें नष्ट हुई है, उन फसलों का मुआवजा भी तत्काल दिया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो किसान हितैषी सरकार बनने का दावा करते हैं शिवराज सिंह, लेकिन किसानों के ऊपर जो आफत आती है, किसानों के ऊपर जो प्रकृति का प्रकोप होता है, उसकी ओर उनका ध्यान नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, दूसरी जोड़ना चाहता हूँ, हमने इस प्रस्ताव के अंदर रखा है कि जो 44 श्रम कानूनों को रद्द कर चार श्रम संहिता है, चार मजदूर कोड बनाए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, उनको तत्काल रद्द किया जाए, यह मांग की है। इस मांग को लेकर 23 और 24 फरवरी को देश भर का मजदूर हड़ताल पर जा रहा है, 2 दिन की हड़ताल कर रहा है। मैं इस घोषणा पत्र में एक बात को भी जोड़ने की ताकीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि उस 23 और 24 तारीख की जो हड़ताल होने वाली है, उसका यह मुद्दा किसान घोषणा पत्र समर्थन करता है, और पूरे प्रदेश से आए हुए लोग जो इस सम्मेलन में उपस्थित हैं, इस घोषणा पत्र का समर्थन करते हैं, उनकी ओर से पूरे देश भर के किसानों, मजदूरों, नौजवानों से अपील है कि 23 और 24 तारीख की हड़ताल में वे ज्यादा से ज्यादा भागीदारी करें, और इस सरकार को बताएं कि निजीकरण नहीं चलेगा, इस सरकार को बताएं कि पूंजीवाद नहीं चलेगा, अडानी अंबानी का राज नहीं चलेगा, किसानों मजदूरों पर अत्याचार नहीं चलेगा। दोस्तों, ये 2 बात मैं घोषणा पत्र में जोड़ना चाहता हूँ, इसलिए यह लिखित में मैं डॉक्टर सुनीलन जी को दे रहा हूँ कि इस घोषणा पत्र में शामिल करें। दोस्तों, आज जो स्थिति है, किसानों ने एक रास्ता दिखाया है, ये चाहे मुमताई से जो लहर चली है वो दिल्ली तक पहुंची है, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पहुंची है, देश भर में पहुंची है, और किसानों ने एक रास्ता दिखाया है, संघर्ष का रास्ता। उसी संघर्ष के रास्ते पर चाहे बैंक बीमा के कर्मचारी हों, चाहे मजदूर हों, वो भी आज उस रास्ते पर चल रहे हैं, और निश्चित रूप से यह क्रांति लाने का रास्ता है। मैं ज्यादा न बोलते हुए, बहुत सारे साथी है हमारे पूरे प्रदेश से आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, आपको बताएंगे, केवल मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप इस घोषणा पत्र को लेकर जाएं, अपने अपने जिलों में जाएं, और इस घोषणा पत्र में जो मुद्दे रखे गए हैं, उन मुद्दों को लेकर आम जनता को आंदोलित करने का काम करें। यही काम होगा कि देश में संगठन बनेगा, संघर्ष का रास्ता निकलेगा, और कोई भी अन्यायी सरकार चल नहीं पाएगी। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।